हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकलने वाले लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। सो जो रिक्रूटमेंट है आपका गेट 2021 के बेसिस पे होने वाला है, यानी कि जिन्होंने बीटेक कर रखा है और या फिर फाइनल ईयर में है और गेट 2021 का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले ये बता दूँ कि ये आपका जो रिक्रूटमेंट है ये अप्रेंटिसशिप है, तो ये रिक्रूटमेंट अभी ये लोग परमानेंट वाला निकाले नहीं, ये अभी अप्रेंटिसशिप है। देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर, और ये फिक्स टर्म के लिए होने वाला है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, बट अप्रेंटिस आपका वन ईयर के लिए रहता है, तो जाहिर सी बात है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट सबसे अच्छा बात है कि अगर ये अप्रेंटिसशिप भी है तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, बट आपको 50,000 रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका दिया गया पे स्केल, तो 50,000, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पर बोल्ड वर्ड्स में लिखा गया कैंडिडेट सेलेक्टेड है GAE यानी कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर शैल रिसीव्ड अ फिक्स्ड मंथली स्टाइपेंड फॉर ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप यानी कि वन ईयर के लिए जो भी अप्रेंटिसशिप रहता है उतना आपको यहाँ पे 50,000 प्लस यहाँ पे देख सकते हैं अलाउंसेस वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। तो सैलरी का कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आपको एज रेगुलर जैसा ही सैलरी मिलने वाला है, बट यहाँ पर आपको जो परमानेंट एम्प्लॉई नहीं रखा जाएगा आपको हमेशा के लिए, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप है। तो यहाँ पर आपको गेट 2021 के बेसिस पर सिलेक्शन तो लिया जा रहा है, बट यहाँ पर आपको परमानेंट एम्प्लॉई नहीं बनाया जा रहा है अभी के लिए। अब देखने वाली बात रहेगा फ्यूचर में IOCL की तरफ से गेट 2021 का परमानेंट जॉब कब आता है, या फिर आता भी है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, तो इन पांच ब्रांच में आपका यहाँ पे आया हुआ है वैकेंसी। अब बात कर ले कि आपका वैकेंसी कितना कितना है डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज, तो वो अभी कुछ बताया नहीं गया है, क्लियरली कोई भी मेंशन नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पर किसी अप्रेंटिस में वैकेंसी बताया भी नहीं जाता है, बट यहाँ पर अभी तक आपको वैकेंसी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है इस नोटिफिकेशन में अभी तक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, अब यहाँ पे नीचे भी बता दिया गया है आपको कि कौन कौन से ब्रांच को इसमें इंक्लूड किया गया और किस ब्रांच को नहीं। तो केमिकल के अंदर आप देख सकते हैं ब्रांच, सिविल के अंदर, देन इलेक्ट्रिकल के अंदर, देन इंस्ट्रूमेंटेशन, देन मैकेनिकल, कुछ ब्रांचेस है जिसको इंक्लूड किया गया है और कुछ ब्रांचेस है देख सकते हैं यहाँ पे बट एक्सक्लूड, तो उसके बाद जो ब्रांचेस है उसको एक्सक्लूड किया गया है, मतलब वो सारे ब्रांचेस यहाँ पर नहीं वैलिड नहीं है, और जो ब्रांचेस है उसको आप देख सकते हैं। अब बात कर ले यहाँ पे आपका फ़ी वगैरह, तो फ़ी वगैरह यहाँ पे कुछ लगने वाला नहीं है, फ़ी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो अप्रेंटिसशिप नॉर्मली फ़ी नहीं लगता है, तो यहाँ पर भी फ़ी की बात नहीं की गई है। तो अप्लाई आप कर दीजिएगा, 10 तारीख से स्टार्टिंग डेट है, 10 तारीख से लास्ट डेट आपका 26 जुलाई है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट में आपका लास्ट डेट दिया गया 26 जुलाई 2021, और स्टार्टिंग डेट आपका दिया गया है 10 जुलाई, तो 10 जुलाई से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर ले यहाँ पे नेक्स्ट की क्या प्रोसेस होने वाला आपका सिलेक्शन का और क्या क्या आपको लगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो आपका गेट के मार्क्स है सबसे इंपॉर्टेंट वही यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी डन कैटेगरी वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स ऑब्टेंड आउट ऑफ 100 इन गेट 2021। तो आपका जो गेट 2021 में 100 में आपका जितने भी मार्क्स है उसके बेसिस पे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन आपको ग्रुप डिस्कशन, देन ग्रुप टास्क एंड देन पर्सनल इंटरव्यू, इन सब के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट लिस्ट के प्रिपरेशन के बारे में बता दिया गया, गेट 2021 का मार्क्स, देन ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क, देन पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका मेरिट को जो है प्रिपेयर किया जाएगा। अब बात कर ले एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट 26 ईयर्स रखा गया है। अब अप्लाई का प्रोसेस बात कर ले तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट आपका 26 तारीख तक रहने वाला है। तो अप्लाई के लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आपका यहाँ पे अपीयर होगा अप्लाई का लिंक आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया, आपको क्या स्कैन कॉपी रहना चाहिए, कब से कब तक रहना चाहिए, सिग्नेचर, आपका फ़ोटो, आधार कार्ड वगैरह, जितने भी डिटेल्स है यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया गया है, इसको आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, देन ही आपको अप्लाई करना है। वहाँ पर आपको गेट के मार्क्स भी बोला जाएगा जिसको आपको करेक्ट डेसिमल 2 पॉइंट तक जो भी आपका एक्चुअल है वही आपको यहाँ फिल करना है। तो ये सारे डिटेल्स नॉर्मल से डिटेल्स है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, देन ही आपको अप्लाई करना है। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते IOCL की तरफ से अगर अप्रेंटिस निकाला जा रहा है अभी, तो हो सकता है कि आगे आपको जो परमानेंट रिक्रूटमेंट वो अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड, आपको अच्छा खासा रैंक आया हुआ है, तो 50,000 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिल जाएगा वन ईयर के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।